जनवरी 2018 में लड़का साहिल गहलोत दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करियर कोचिंग से एसएससी की तैयारी कर रहा था। उसी उत्तम नगर की एक दूसरी कोचिंग से लड़की निक्की यादव मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। वो बस से उत्तम नगर आती और जिस बस से निक्की आती थी उसी में आरोपी साहिल गहलोत भी आता था। इसलिए जनवरी 2018 में दोनों की मुलाकात बस में हुई थी। दोनों की दोस्ती हुई, प्यार हो गया और इसके बाद दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में एडमिशन लिया और किराए का कमरा लेकर लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे थे। दोनों को साथ रहते रहते 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में साहिल ने निक्की को यकीन दिलाया था कि वो उससे बेहद प्यार करता है और उसी के साथ जिंदगी भर रहेगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था जो कहीं ना कहीं धोखा फरेब देने जैसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन निक्की साहिल को अपना सब कुछ मान बैठी और निक्की साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन साहिल ने हमेशा उससे सच छुपाया कि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए उसने कभी भी लिव इन में रहने के बारे में अपने घर वालों को बताया भी नहीं था। इधर साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी की पूरी तैयारियां कर ली, उसकी लड़कियां देखकर शादी भी पक्की कर ली और साहिल गहलोत के 9 फरवरी 2023 को सगाई और अगले 10 फरवरी को शादी तय कर दी गई। अब इस शादी और सगाई के बारे में साहिल ने निक्की को कुछ नहीं बताया था, लेकिन निक्की को किसी तरह भनक लग गई तो वो विरोध करने लगी थी। शादी को लेकर निक्की और साहिल में झगड़े होने लगे थे और निक्की किसी भी तरह से साहिल का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इधर साहिल एक खौफनाक प्लान बना चुका था, लेकिन आरोपी साहिल ने निक्की को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। दोनों कार से घूमने निकल गए। दोनों ISBT कश्मीरी गेट के पास पहुंचे, जहां फिर से उनका झगड़ा हुआ और गुस्साए साहिल ने मोबाइल केबल से निक्की का गला घोट दिया। इसके बाद साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। फिर वह नजफगढ़ होते हुए अपने गाँव मित्राव गाँव पहुंचा। ISBT से यहाँ की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। साहिल ने लाश यहाँ अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दी और घर चला गया। इसके बाद घर वालों के कहने पर 10 फरवरी को दूसरी लड़की से शादी कर ली। साहिल ने उस वक्त फंस गया जब किसी ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने साहिल के ढाबे के फ्रिज से निक्की की लाश बरामद कर ली। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक शादी के बाद वह लाश को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन वो पकड़ा गया।